का भोला वाला चेहरा देखो, ये आई थी आज चैलेंज लेने। Hey guys, good morning। और आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब से मैं मोमो चल रही थी मेरी मम्मी को लगा कि वो अभी जी जाएंगी, तो आज हम जा रहे हैं घर। वैसे तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन आज इसलिए बोल रही हूँ कि आज स्पेशली इसलिए जा रहे हैं कि मम्मी ने कहा है कि मैं मोमो चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और मैं करूँगी। तो देखेंगे मम्मी हारेंगी जीतेंगी। तो मिलते हैं गाइस, सबसे पहले मैं होती हूँ रेडी, फिर उसके बाद करेंगे जाने की तैयारी। तो गाइस हम बहुत डर गए थे क्योंकि ये ना ये ऊपर छूट गया था और मुझे क्या लगा कि इसकी लीश लिफ्ट में ना आ गई हो। गाइस ये मौसम देखो आप, बिल्कुल कातिल हो गया है। ये टाइम हो रहा है करीब 7:30 बजे और देख के कातिल हो गया मौसम। शक्ल दिखा ना, ये ऐसी शर्माती है लड़कियां, इनका कुछ नहीं हो सकता। मम्मी तो आपको कैसे लगा, कैसे मिला मोटिवेशन मोमो खाने का? मोमो खाने का है? अपनी मोटी से अपनी मोटी से मतलब जीत गए। तो हाल हो गया आप देखते हैं, ये फंस गया सी। गाइस देखते हैं आज लग तो रहा है इनको। गाइस आज जा रही है मम्मी हमारे साथ चैलेंज करने। मेरे जीतने के बाद मम्मी एक्साइटेड होगी, मैं भी कर सकती हूँ। मम्मी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कंपटीशन में जा रही है, सब लग रहा है मम्मी आ जा रही है कैट वॉक करने। तो तुम भी करोगे क्या चैलेंज? देखते हैं अगर मम्मी जीतती है तो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दीदी को देख के मम्मी हुई, मम्मी को देख के मैं। यहाँ चल रही है? मम्मी को देख के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मम्मी यार मम्मी बेइज्जती मत करा देना। इसे देखा, इसे क्या हो गया? सो गाइस अगेन हम यहाँ पहुँच गए हैं मार्केट में, और ये आज के जो प्रतियोगी, ये इनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है पैसे डुबाने आई है ये। हमेशा की तरह हो जाएगा खाना, आई एम ऑलवेज रेडी। सेकंड टाइम आ रही हूँ मैं, पहली बार मैं विनर थी। अब मम्मी का नंबर है, देखते वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हेलो भैया, बढ़िया, आप कैसे? कैटेगरी कैटेगरी एज कैटेगरी कैसे पिता हो तुम? Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for. So guys, जो last time मैं आई थी वो random आई थी, कोई plan नहीं था, लेकिन देखो मेरे किचन में क्या बन रहा है। खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि आज मैं मजे से खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। लास्ट टाइम मैंने सटक लिया था, तो भैया आप मुझे कैप दे दीजिए। सो ये है कैप, आप बिना कैप को वेयर करें अंदर नहीं जा सकते। भैया ये तो फटी हुई कैप है, सो मैं इसको वेयर कर दूँ। तो पकड़ो नहीं, वैसे साफ सफाई है बहुत। और मोमोज कहाँ बाहर ही आ गए? भैया हम यहाँ हैं, मोमोज हमारे बाहर कैसे चले गए? ये भी रेडी हो गया भैया? आपको पता था कि मैं मोमोज खाने आई हूँ, शक्ल देख के आपको देख के लगाए थे पहले ही। अरे भैया थैंक यू। मैंने शर्मिले से भैया लास्ट टाइम 2 गिलास पानी रख के गए थे कि ये मैडम हार जाए, लेकिन मैं जीत गई है। इनकी हिम्मत टूट चुकी है। पहले मोमो खाने वाली थी, पहले मोमोज खाने वाली थी 5, और अब पसीने छूट गए। आई तो आप ऐसे तैयार होके थी, इतना बड़ा कहते हैं तैयार होके ना, पूरी तैयार होके आई थी कि आज मैं मोमोज चैलेंज जीतूंगी। जैसे आपने पहले ब्लॉग देखा है वो, मतलब वैसे तो मेरे पर्सनल ब्लॉग है, बस मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। और ये भैया हैं, ये हैं बिग मोमोज वर्ल्ड के ऑनर गाजियाबाद से आए हैं आपके मोमोज खाने। आज कोई चैलेंज नहीं था, सिर्फ मोमोज खाने। मैम रहती है गाजियाबाद, और हमारा भी एक ओपन होने वाला है गाजियाबाद के अंदर ही। क्या बात कर रहे हो? इंदिरापुरम में शिप्रा मॉल है, उसके बगल में एक मार्केट है। तो इसका मतलब हमें इतनी दूर रहना पड़ेगा? जो गाजियाबाद में रहते हैं वो आपको, देखो इन्होंने बता ही दिया इंदिरापुरम में आप एक की ब्रांच खुल रही है, आप वहाँ जा सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में इंजॉय कर ही सकते हो आप। बाकी चैलेंज यहाँ पे भी चल रहे हैं, चैलेंज वहाँ पे भी चलेंगे। बाकी टेस्ट करना है, टेस्ट करने आइए। भाई मैंने 9 लाख बार चुका हुआ था, मैं बहुत बड़ा जिगरा है इनका। 2021 में मैंने बांट दिया था 3,75,000। बाकी चैलेंज लाख वाला भी है, तो मैंने लाख भी बांटे हैं मैंने यहाँ पे, तो लगभग 9 लाख के लपेटे में मैंने बांट दिया। आप मोमोज को ट्राई करना और इन्जॉय करना भाई।
सो थैंक यू सो मच। मैंने खा लिए मोमोज सारे, मैडी के छीन के खा लिए। मैडी अपने आपको बहुत ज़्यादा शादी समझता है, लेकिन मैडी से शादी हूँ मैं, क्योंकि जो जीतता है वो मम्मी क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर, और जो हारा मम्मी मेरे साथ बंदे कर रही है मम्मी, और हारा मैडी को। मैं तो खेला ही नहीं, क्योंकि तुम खेले ही नहीं, तो इसलिए बंदे आई थी। ये उनका भोला भाला चेहरा देखो, ये आई थी आज चैलेंज लेने, और जैसे ही मम्मी ने देखा मोमोज की शक्ल इतनी बड़ी बड़ी, मम्मी के पसीने निकल गए, और मम्मी कह रही मैं तो पार्लर से तैयार होके आई थी, और क्या हो गया यहाँ पे। मम्मी को खाली हाथ जाना पड़ रहा है घर, लेकिन मम्मी मोमोज अच्छे थे ना, टेस्टी थे ना, टेस्टी थे। देखो मम्मी का रिव्यू एक नंबर है कि टेस्टी थे। तो अब हम चलते हैं घर, इनको देखना जरा, शेयर कर देना मेरी वीडियो, बहुत सारे व्यू आने चाहिए, ठीक है। ओके बाय भैया, बाय बाय भैया, फोन से बाहर आ जाओ। चलते हैं हम घर की साइड, मैडी ने खाए पूरे दो मोमोज, वॉफल्स, वॉकल। हाँ मम्मी गुटका, मम्मी गुटका खाने जा रहे हैं, गुटका गुटका कुछ नहीं खाना घर, चलो सीधा। हम आए हैं यहाँ पे खाने, इसका इंटीरियर देख रहे हो आप, कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। ये क्या लाया हो, जंजीरा सा टाइप का, जल्दी ना, ये वेलकम ड्रिंक है हमारे यहाँ पर, कच्चा आम पन्ना, फ्री 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 कच्चा आम पन्ना। एक बार टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, टेस्टी है, हम इसको पी के भी जा सकते हैं ना, कुछ खाए ना, चले, बहुत तेज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट है। वो भैया कह रहे चलेगा, कितने इनोसेंट है वो, ये ऐसा नहीं कि वो ऑर्डर करे नहीं, मेनू भी पड़ता है उसके लिए, ऑर्डर करे ना करे वो वेलकम ड्रिंक होती है। अच्छा, बहुत ही टेस्टी है वेलकम ड्रिंक, आपको जरूर आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मुझे फूड ब्लॉगिंग वाला चैनल खोलना चाहिए, तो गाइस जल्दी से फटाफट मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, मुझे लग रहा है मैनेजर राज अग्रवाल के साथ, तो ये और मैं बनाएंगे फूड ब्लॉगिंग का चैनल, और उसमें आप सारे सारे उसमें आ जाना फटाफट करके, और ऐसी आपके लिए टेस्टी टेस्टी चीज़ लेके आया करूँगी मैं, जब तक इंजॉय करती हूँ। छोटे वो जो आते हैं उसका अच्छी थी चाप, टेस्टी थी आपकी चाप। कोल्डिंग का थोड़ा सा दुख है भैया, कोल्डिंग नहीं आपके पास है, लेकिन वो कह रहे ग्लास वाले, तो वैसे भी हम ग्लास में तो पियेंगे, बोतल दे दो भैया। अरे तो ऐसे थोड़ा कर, नहीं मैं दिखाती हूँ स्टाइल। अरे 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 नहीं, ये उठाओ ऐसे करो, मैं ज्यादा मन ना कर रहा हूँ तो ये पॉकेट, चलो चल। अबे यार मम्मी को देखे, मम्मी को 100 भर रखी है उसके अंदर, तो बेवकूफ है कहाँ है, खा लिए सारा, झूठ फैला रही। अरे मम्मी मैं कपिल भर रहा था, बेवकूफ वाली काम कर, मम्मी वीडियो बनाई, मम्मी मेरी इनोसेंट है ना, इसलिए मम्मी को बेइज्जती फील हो रही है, वैसे वो मैंने रखी थी, कह रही 100 भर रखी है, हम ऐसे ही करते थे ना पहले, इतना टाइम नहीं, क्या हो गया, कौन सा आपके बच्चे रो रहे थे, बच्चा तो ये रहा है, चल ना मम्मी, क्या चल चल कर रही है, पापा की याद आ रही है क्या आपको, करना पापा की याद आ रही है ना, हाँ आ रही, तो पापा को मारना है ना मम्मी। सो गाइस यहाँ पे आ गए मेरा गुड्डा, और हम जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।